उत्तरी पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून समर्थकों और विरोधियों के बीच भड़की हिंसा में अब तक 712 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इस मामले में 200 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। एमएस रंधावा ने बताया कि दिल्ली में फिलहाल कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम सभी फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं। हिंसा में शामिल लोगों को पहचानने के लिए फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई लोग हिंसा को लेकर अपने बयान दर्ज कराने के लिए आगे आए हैं। एसआईटी और स्थानीय पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अब तक हमने 712 एफआईआर दर्ज की है। 200 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हमें बहुत सारे वीडियोस मिले हैं जो जांच में मदद करेंगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत के सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रमुख परवेज अहमद और सचिव मोहम्मद इलियास को दंगों के इनके संबंध में के चलते गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमें मोहम्मद इलियास और परवेज अहमद को दिल्ली में हुए दंगों के दौरान कथित तौर पर लोगों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। देखिए एक रिपोर्ट। 100 कंपनीज के आसपास आउटसाइड फोर्स डिप्लॉय की थी। जितने भी सेंसिटिव एरियाज थे उनको आइडेंटिफाई किया गया था। सीनियर ऑफिसर्स ने एरिया को पेट्रोलिंग किया था और कंट्रोल रूम के जितने भी कॉल्स थी उसको हमने मॉनिटर किया था। अमन कमेटीज की जो मीटिंग्स थी वो तमाम सीनियर ऑफिसर्स ने भी ली थी। जितने भी रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं उनसे मीटिंग्स की थी। उसके मद्देनजर, जैसे कि हमने आपसे कल भी शेयर किया है, लास्ट ईयर 18,798 पीसीआर कॉल्स थी जो एक्शनेबल पीसीआर कॉल्स होती हैं। इस साल केवल 8,667 पीसीआर कॉल थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट्स, जिनमें मैं कहना चाहूंगा कि लोकल पुलिस, पीसीआर, ट्रैफिक, इन सब ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया और तमाम सीनियर ऑफिसर्स ने इसको मॉनिटर किया। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें भी अभी सिचुएशन पूरी नॉर्मल है। डिप्लॉयमेंट हमारी फोर्स की है, सीनियर ऑफिसर्स सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई कॉल नहीं आ रही और जितनी भी कॉल्स आती हैं उसको हम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस का जो इनिशियल रिस्पॉन्स था उसमें हमने काफी प्रिवेंटिव डिटेंशन भी की थी, जो समय समय पे हमने मीडिया के साथ शेयर किया है और मीडिया की मदद से हमने लोगों को अपील भी की थी। इसमें जो हमने अपील की थी उसमें अपने व्हाट्सएप नंबर भी दिए थे, उसमें हमने ईमेल आईडी भी दिया था। उसमें हमने तमाम जो दिल्ली वासियों को अपील की थी कि किसी के भी पास भी कोई भी तरह की फुटेज, वो सीसीटीवी फुटेज हो सकती है, वीडियो फुटेज हो सकती है, और जितने भी हमारे मीडिया से ब्रदर्स हैं इनको भी हमने अपील की थी कि वो हमने फुटेज दे सकते हैं। मैं तमाम दिल्ली वासियों का, अपने मीडिया के भाइयों का एक धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस पे हमें बहुत सी वीडियोस मिली हैं जिसको के इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद मिली है दिल्ली पुलिस को और केसेस की इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। अभी तक जो नंबर है, हम अभी तक 712, मैं आपको दोबारा कहना चाहूंगा, 712 एफआईआर रजिस्टर कर चुके हैं और भी करेंगे। एक कई क्वार्टर से हमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कुछ कंप्लेंट्स हैं वो पुलिस के पास रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से फिर तमाम पब्लिक को ये अपील भी करना चाहूंगा, ये बताना भी चाहूंगा कि डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के ऑफिस में वहां एक स्पेशल डेस्क बना हुआ है, वहां आप कंप्लेंट रिसीव कर सकते हैं और वहीं उस कंप्लेंट में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ साथ फिगर के तौर पर मैं शेयर करना चाहूंगा कि ये एरिया, जैसे आपको पता है, बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। पहले भी इसमें रॉयट्स की हिस्ट्री है, जो 92 में भी रॉयट्स हुए थे उसमें 20 के आसपास एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अभी हम 712 एफआईआर कर चुके हैं और भी हमारे पास कंप्लेंट आएगी, उसको भी हम रजिस्टर करेंगे जिसमें भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन हमारी आगे मूव हो रही है, हम अक्यूज्ड को अरेस्ट कर रहे हैं। अभी तक 200 से ऊपर हम
जो अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट कर चुके हैं और इसका नंबर और बढ़ेगा जैसे जैसे प्रोग्रेस आएगी। काफियों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हरेक जो FIR है उसमें अभी आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम दिल्ली वासियों को ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी निर्दोष हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हम टेक्नोलॉजी का भरपूर योग कर रहे हैं। इसमें हम अलग अलग जो हमारे चैनल्स हैं जैसे हमने अपील की है जो भी हमारे पास वीडियोज आ रही हैं कुछ हमारे पास CCTV फुटेज की वीडियोज है। उस समय जो फोर्स डिप्लॉय थी उन्होंने भी अपने कैमरा से वीडियो फुटेज बनाई। कुछ वीडियो फुटेज आपने भी देखा है कि पब्लिक डोमेन में है, आप मीडिया में भी फुटेज है, उन सबको एनालिसिस कर रहे हैं। फुटेज को फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जब पुख्ता प्रूव हो जाता है वो जो एविडेंस है वो एविडेंस स्टेटमेंट्स है, विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स ली जा रही है। अब हमारी अपील के बाद और आपके माध्यम से जो हमने अपील की है उसके बाद काफी लोग आगे आए हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई हैं उनके स्टेटमेंट्स के थ्रू, और उसके बाद हमारा जो टेक्निकल एविडेंस है उनके माध्यम से, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से SITs और लोकल पुलिस काम कर रही है। 200 से ऊपर जो है वो हम अरेस्ट कर चुके हैं और भी अरेस्ट जल्दी की जाएगी, काफी लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक जो हमने देखा इसमें तीन केसेस में प्रोग्रेस हुई है। एक तमाम मीडिया से हमें क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हरेक केसेस में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस है। कईयों में काफी हद तक हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, अरेस्ट भी कर लिया है, कुछ केसेस में हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, तमाम हम आपसे शेयर करेंगे। तीन केसेस आपके साथ मैं अभी प्रेस इसके ब्रीफ के बाद आपसे शेयर करूंगा, जिसमें तीन केसेस, एक है जिसमें एक नाले में चार डेड बॉडीज मिली थी, एक इनका मिसेज अकबरी बेगम का केस है और एक जो हमारा हेड कांस्टेबल रतन लाल है इसकी जो शहादत है, इसमें हमने जो प्रोग्रेस की है और जो अरेस्ट किया है वो आपके साथ अभी इसमें शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली पुलिस है तमाम एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें हमारी अलग अलग टीम्स लगी हुई हैं, क्राइम ब्रांच की SITs लगी हुई हैं, लोकल पुलिस लगी हुई है, स्पेशल सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन मूव करेगी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद जो हमने एक और अपील की थी वो र्यूमर्स की, उसमें मैं फिर दिल्लीवासियों का दिल्ली पुलिस की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपका बड़ा सहयोग रहा। जो एकदम से र्यूमर फैला था उसको कंटेन करने में आपने दिल्ली पुलिस की हेल्प की। मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा दिल्ली वासियों को अपील करना चाहूंगा कि जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती हैं। आप कोई भी रूमर्स आता है, दिल्ली पुलिस ने अपने नंबर्स जो है वो पब्लिश किए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स के नंबर हमने पब्लिश किए हुए हैं, उस पर आप कोई भी रूमर है, कोई भी अफवाह है उसकी पुष्टि जरूर कर लें। और इसी तरह मैं अपने मीडिया भाइयों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने पिछली बार जो अफवाहें फैली थी उसको उसकी पुष्टि जो आपने ये बताया कि ऐसी कुछ बात नहीं है, उसी तरह आपका सहयोग रहेगा। इसके अलावा इस बार हमने सोशल मीडिया पे, इस पर हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, इस पर भी हमने 20 से ऊपर FIR रजिस्टर की है, इसमें भी हमने काफी लोग अरेस्ट किए हैं। इसमें भी दो तरह की अरेस्ट है, कुछ केसेज में हमने अरेस्ट किए हैं, 25 के आसपास हमने केसेज में अरेस्ट किए हैं, उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन भी की है। हमने जो कॉल्स आई हैं उसका पैटर्न एनालिसिस किया है, जिसने कॉल की है हमने ये देखा है कि अगर पैनिक में कॉल की है तो फिर हमने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन मान लीजिए उसमें भी पैटर्न आया, बार बार कॉल है और उसमें अगर सोशल मीडिया में उसने फेक न्यूज चला रहा है या कोई हेटेड स्पीच चला रहा है, उसको भी हमने FIR भी दर्ज की है और उसमें काफी हमने ब्लॉक भी करवाए हैं। दिल्ली पुलिस के ये एफर्ट जारी रहेंगे और मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहूंगा कि दिल्ली में अभी पूरी अमन शांति है। दिल्ली वासियों से फिर अपील करना चाहूंगा कि इसी तरह आप सहयोग करते रहें। जो हमने नंबर आपके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर किए हुए हैं, कोई भी अगर आपके पास एविडेंस है, कोई वीडियो है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मीडिया भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगी इसके बाद भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है केसेस में। और तीसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी अफवाहों पर ध्यान ना दें, कोई भी अगर अफवाह है तो उसकी आप जो दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए
डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के नंबर है उस पर पुष्टि जरूर कर लें। बिल्कुल मैं वही बताया जैसे आपने फेस रिकॉग्निशन का कहा, बिल्कुल हाँ वो डिटेल में आपको अभी मैं नहीं डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे पास डेटाबेस है उससे हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हमें वो नंबर्स आ जाते हैं 1000 से ऊपर अभी नंबर जो आ चुके हैं, और इसके अलावा कुछ आउटसाइडर्स भी आए हैं उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी एविडेंस हम इकट्ठा करके जब प्रॉपर एविडेंस आता है उसके बाद ही किसी की अरेस्ट करते हैं। सर, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो हुई थी आउटसाइडर्स को लेकर उसमें क्या हुआ था? वही अब जितने भी हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके हम कॉन्स्टेंट टच में हैं और उनसे जितने भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं उस पर एक्शन ले रहे हैं। और एक आपके माध्यम से मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो हमारा डीसीपी ऑफिस है, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट ऑफिस में वहां जो हेल्प डेस्क बना हुआ है, कोई भी अगर आपकी कंप्लेंट है किसी भी रिलेटेड हो सकती है, वो आप कंप्लेंट किसी इंसिडेंट के बारे में करवा सकते हैं, किसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में करवा सकते हैं, आप वो कंप्लेंट जरूर कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.